नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर हरियाणा से है। उप मुख्यमंत्री ने की आबकारी एवं कराधान उपायुक्तों के साथ लाइसेंस शुल्क के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि 15 जनवरी 2021 तक सभी जिलों के शराब विक्रेताओं के सेल केन्द्रों पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिक्री रसीद काटा जाना सुनिश्चित किया जाए। इससे गैरकानूनी तरीके से शराब की बिक्री को रोका जा सकेगा और निगरानी सही ढंग से की जा सकेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज यहां सभी जिलों के आबकारी एवं कराधान उपायुक्तों के साथ लाइसेंस शुल्क के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी एवं आबकारी एवं कराधान आयुक्त शेखर विद्यार्थी के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य में कहीं पर भी बिना अनुमति के गैरकानूनी तरीके से शराब की बिक्री को रोकने के लिए आबकारी अधिकारी समय समय पर छापेमारी करें। रिकवरी में देरी होने वाले मामलों में पेनल्टी लगाने का निर्देश देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामले जहां रिकवरी बकाया है और उनकी प्रॉपर्टी अटैच है, उस प्रॉपर्टी से बकाया की रिकवरी करने की कार्यवाही करें। उन्होंने आबकारी अधिकारियों को आगामी 2 तिमाही के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और मेहनत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट और बैंकेट हॉल आदि स्थानों पर बिना लाइसेंस फीस जमा कराए शराब न परोसी जाना सुनिश्चित करें ताकि प्रदेश को राजस्व का नुकसान न हो। उन्होंने एक दिन के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस की भी जाँच करने और लाइसेंस लिए बिना शराब परोसने वालों पर कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध तरीके से शराब की बिक्री रोकने से राजस्व में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। कोविड-19 महामारी के बावजूद गैरकानूनी तरीके से शराब की बिक्री को रोकने और आबकारी राजस्व में बढ़ोतरी के लिए अधिकारियों की सराहना की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा आबकारी वर्ष की पहली 6 माही में आबकारी विभाग ने बीते वर्ष के मुकाबले लगभग 660 करोड़ रुपए अधिक राजस्व इकट्ठा किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-2021 की आबकारी विभाग की पॉलिसी में रखे गए 7500 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने को टारगेट को तो पूरा करेगा ही, बल्कि इस बार लगभग 20% अधिक राजस्व जुटाया जा सकता है। मौजूदा वर्ष में पहले 6 महीने में ही लगभग 4165 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व आ चुका है। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा से ब्यूरो की रिपोर्ट।